इधर लगने जा रहा है बच्चे को मेहंदी, तो उसके लिए पहले मैं नेक दे देती हूँ। तब जब भी शुभ काम करते हैं तो पहले नेक दिया जाता है, मैं नेक देती हूँ। तो भैया स्टार्ट करना। तो ये लड़की की मेहंदी है, जो लड़की को थोड़ा सा मैंने लगाया था, तो उसकी मेहंदी आप लगा देना, जहाँ चाहे जहाँ भी मैनेज कर देना। और ये आपका ये दूर कितना मेहंदी लगा, सो ये देखिए। सो यहाँ पे चल रहा है मेहंदी फंक्शन, तो आइए दिखाए कौन कौन किसको लगा रहा है। ये है काजल की फ्रेंड जो कि गुड़िया दीदी को लगा रही है मेहंदी। ये देखिए कितनी प्यारी मेहंदी लगाई। तुमको मेहंदी लगाने आता है, बताई नहीं कभी है? छुपे रुस्तम, अच्छा पूछे भी नहीं का, बहुत अच्छा मेहंदी लगाई है। और अब चलते हैं दीदी की जिठानी की बिटिया है ये नेहा, वो लगा रही है दीदी की बेटी को। तुमको पसंद है लल्ली, अच्छी लग रही है? हाँ ठीक है। तो बाकी ये लोग बैठे हैं और बड़ी वाली दीदी को भी मेहंदी लगाने है। ये मंदाकिनी, ये बहुत प्यारी मेहंदी लगाती, मैं ज़्यादातर इसी से मेहंदी लगवाती हूँ। हाय बोलो। तो अगर आप फैजाबाद के हो तो इससे ज़रूर एक बार मेहंदी लगवाना, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। और तुमको पसंद आ रहा है? हम सबके मन का मिलना बड़ा मुश्किल है कि वो हमें अच्छा लगाने वाली मिल जाए, पर मेरे को तो मिल गई है। और इधर मेरे जीजा जी बहुत देर से बोर हो रहे हैं, देख रहे हैं सबका। और जीजा वे जीजा जी की मम्मी जी, जीजा जी का बेटा और मेरी बहन। आओ मेहंदी दिखाओ, मेहंदी दिखाओ ना मेहंदी। ये देखिए उसको मेहंदी एक हाथ में तो पूरी लग गई है, बैग बचा हुआ है और उसमें केवल हथेली बची हुई है। दिखाना जरा मेरे दोस्तों को मेहंदी। वाह बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गाइस आप लोग भी बताइएगा मेहंदी कैसी कमेंट करके। सो गाइस मैंने कहा था ना जो मेरा फेवरेट भाई है वो आने वाला है, तो भाई आ गया है और थोड़ा देर रेस्ट किया था तो इसीलिए हम तुरंत नहीं मिलवा पाए थे। तो भाई कुछ कहना चाहोगे मेरे दोस्तों को? ये हाय गाइस, मेरी बहन के इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। भाई कुछ बताओगे अपने बारे में? क्या बताना है, ठीक है चलो। भाई भाई बहुत अच्छा है, ये भी कोलकाता में ही रहता है तो कोलकाता से आ जा रहा है। बताओ क्या हो रहा है? आज के दिन हमारे घर में शगुन उठ रहा है, इसके बाद घर में गाने बजाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, और आज ही मेहंदी भी लग रही है सबको। तो यहाँ पे लगन खुलने के बाद पांच लेडीज जो कि सुहागन बैठी हुई हैं उनके आंचल में मैंने एक एक अजरी चावल और गुड़ दिया, और उसके बाद मैंने फर्स्ट पे ऐसे ऑयल से टीका और उसके ऊपर सिंदूर से टीका। तो सेम यही प्रक्रिया मैंने सूप पे भी किया, पहले ऑयल से टीका देन उसके बाद सिंदूर से उस पे टीका लगाया। और इसके बाद मुझे सारी सुहागन लेडीज़ को भी सिंदूर लगाना था, बट उससे पहले थोड़ा थोड़ा मैंने उनके सिर पे ऑयल लगाया। ये मेरे को नई जानकारी था बट मेरी मॉम ने बताया, क्योंकि वो ये रस्म नहीं कर सकती थी, इसके पीछे कोई रीज़न है। तो उसके बाद मैंने तेल लगाने के बाद ये नाक से लेकर सिर तक मैंने सिंदूर लगाया। केवल पाँच जितने भी घर में लेडीज़ थी सुहागन लेडीज़, मैंने उन सबको लगाया है। और ये जिसको मैं लगा रही हूँ ये है मेरी मामी जी, जो कि इस हल मेहंदी के फंक्शन में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका डांस देखना गाइस, बहुत एकदम धमाकेदार डांस किया है मेरी मामी ने। उसके बाद ये है मेरी गुड़िया दीदी जो कि दीदी ने भी खूब खूब मस्ती की, खूब मज़ा किया। उसके बाद मैंने सबको सिंदूर लगाने के बाद नेक्स्ट था कि सबके आँचल में पान देना, जो पान बीड़ा होता है ना, पान को बनाकर जिसमें सब लगा हुआ होता है वो सबके आँचल में दिया। उसके बाद मैंने सबको बिंदी लगाई, और ये मेरी मामी, उसके पहले मैंने जिसको बिंदी लगाई वो मेरी मासी है। झूला मैया के ना।
में बहुत अच्छा माहौल है, गाना वाना शुरू हो गया, गाना बजाना अभी थोड़ी भगवान जी के गीत के बाद डांस शुरू होगा। तो काजल देखे बैग का भी एक इसके एक हाथ में लग गया है, और आपको दिखाती हूँ दीदी की मेहंदी। ये देखिए दीदी की मेहंदी, बैक और फ्रंट दिखाओ। ये तुमको पसंद आया? बस उसको पसंद आया, ये बहुत बड़ी बात है। तो काजल का अभी टाइम है। सरिता दीदी, और उसके बगल जो सूट पहनी है येलो कलर की, वो है मेरी देवरानी। उसके पीछे है सिमी जो कि काजल की बहुत अच्छी फ्रेंड है, और वहाँ पे मरून कलर की जो साड़ी पहनी वो मेरी दीदी है। तो इन लोगों ने तो बहुत डांस किया, और मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि मैं मेहंदी लगवा रही थी, और मैं बहुत मिस कर रही थी क्योंकि मेरे पास समय थोड़ा कम था और मैं सारी चीज़ों को नहीं मैनेज कर पा रही थी। बट मामी ने धूम मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और भाई के साथ खूब खूब डांस किया, खूब डांस किया, और काफ़ी अच्छा लगा कि दिल से खुश होके। और इनका इन बहुत ये इन्होंने अभी तक मतलब किसी भी शादी में मैंने देखा ही नहीं कि मामी ने इस तरीके का डांस किया, लेकिन इन्होंने बहुत इंजॉय किया। इन्हें देख के हम लोग को इतनी एनर्जी आ रही थी, इतनी Yeah.